आपके सामने ये क्वेश्चन है ना, इसको कैसे करना है कि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल पी क्यू दिया है, यानी कि ये है ए बी, ये सी डी के पैरेलल है और ये पी क्यू, यानी कि सब पैरेलल हैं। अगर हम इसको इनको पूरा स्केल लग के यूँ खींचे हैं, ये हो गया ठीक है, ये पूरा इधर के खींचे ठीक है, ये हो गया, ये पूरा इसको भी खींचे हम ठीक। तो आप देख रहे हैं ये तीनों पैरेलल पूरी पैरेलल पैरेलल जा रही है एक दूसरे के ठीक है। अब आपको हमने ये इसलिए खींचा, ये वाली लाइन को खास करके इसलिए खींची क्योंकि इसमें देखिए डी पी क्यू यानी बीच वाला दिया, तीन दिए हैं तो समझ लिए बीच वाले की वैल्यू है। डी पी क्यू मतलब क्या है, पी की वैल्यू 100 है, यानी कि ये एंगल पी की वैल्यू 100 है, डिग्री 100 है ठीक। और ए बी डी में बी की 115 है, ए बी डी यानी बी पे जो है 115 है, 115 है। पी डी बी यानी डी निकालना है, डी कहाँ है ये है। अब आप कहेंगे सर डी पूरा ही ए बी तो है, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है इसके पहले क्या लिखा है उसके बाद क्या लिखा डी के। पी डी बी ये पी है, ये डी है, ये बी है। अब इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बनना है वो ये है पी डी बी, तो ये एंगल हमें निकालना है ठीक। पी डी बी में जो बीच में है ये हमें निकालना है, ये ना सोचिए डी पूरा लेंगे ऐसा नहीं, पी डी बी लेना। अगर पी डी सी कहते तो ये पूरा लेते, क्लियर हो गई बात। तो हमें पी डी बी निकालना है। इसको निकालने का सबसे आसान बेस्ट तरीका कि पोस्टमार्टम करिए इसका, थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा सा डॉट डॉट करके बढ़ाइए, और ये 115 था, ये फिर कितना होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब ये जो कि नीचे है तो इसको यूँ करके पलट दिए ऊपर को, यानी कि अगर ये एंगल ऐसा होता है, देखिए ये 115 है, ये कितना है ठीक, मैंने उल्टा बनाया तो ये 115 है, ये 65 होगा ठीक। कैसे पता चला, क्योंकि लीनियर पेयर में, लीनियर पेयर में किसी भी दो एंगल का सम 180 होता है ना, तो इन दोनों का सम जैसे 115 इसको मान लिया एक्स, 115 प्लस एक्स बराबर 180, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 115 माइनस किया 65 आ गया ठीक। एक्स की वैल्यू हमारे पास ये 65 आ गई, ये 65 आ गई हाँ। फिर ये 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 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कराएंगे, ये देखिए जेड जो बनना है, ये एंगल के इक्वल होता है, यानी कि ये 65 है हमारा, ये भी 65 होगा, ये भी कितना होगा 65। अच्छा हमें निकालना तो ये, तो हम ये क्यों निकाल रहे हैं ठीक है, हमें निकालना तो अब मुद्दा ये, हमने ये क्यों निकाला तो इसके लिए वजह ये है। देखिए ये जो आपका ये देख रहा है ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये भी बना देखिए उल्टा जेड, देखिए यूँ करके ये भी थोड़ा सा ऐसे बना, ये 100 है, ये पूरा 100 हुआ ना, ये पूरी लाइन 100 की हुई, पूरी लाइन कितने की हुई 100 की हुई ठीक है। 100 में से हमने इतना निकाल दिया तभी तो ये बचेगा, क्योंकि हमें इतने ही से काम चलाना है, ये झमेला हमें करना पड़ा इसलिए कि हमें ये निकालना था। तो अब ये पूरा 100 है, 100 में से इतना हिस्सा घटा देंगे तो इतना हिस्सा बचेगा, तो 100 में से 65 गया तो ये बचा, 100 में से 65 गया कितना बचा, 10 में 5 की 5, 9 में 6 की 3, 35, तो ये आ गया हमारा 35। तो आपका आंसर आ रहा है पी डी बी के आंसर 35, लेकिन ये सब आपको लिख लिख के करना पड़ेगा, पहले तो इतना लिखा, फिर आप लिखेंगे क्यू पी नहीं सॉरी पी डी सी सॉरी पी डी सी यानी पी यू पी डी और पी डी सी ये दोनों इक्वल होंगे ठीक है, यानी ये और ये इक्वल होंगे पूरा ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे ये 100 तो ये पूरा 100, फिर आप इसमें से बी डी सी माइनस कर देंगे है ना, पी डी बी इक्वल टू बस आप इसके बाद ये लिखिएगा पी डी बी इक्वल टू बी डी पी डी सी पी डी सी माइनस पी डी सी है पी डी सी माइनस बी डी सी ठीक है। पी डी सी की वैल्यू 100 आ गई ये पूरे की, बी डी सी की वैल्यू देखिए 65 आ गई, बस इसके बाद आप 35 लिख देंगे, देखिए पी डी बी निकालना तो इसकी वैल्यू 35 डिग्री आ गई, क्लियर है। बस ऐसे करना है, अगला सवाल खुद से ट्राई करिए ठीक है, लेकिन फिर से इसकी वीडियो देखिए तो सब समझ में आएगा।